क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि आपके मैकेनिक या आपके घर पे काम करने वाले नौकर के बैंक बैलेंस में मरते वक्त आपसे ज़्यादा पैसे होंगे? क्या आपके मन में कभी भी ऐसे थॉट आए? शायद सपने में भी नहीं। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में लगभग 25 साल तक गैस स्टेशन पर रिपेयरिंग का काम किया, 17 सालों तक झाड़ू मारने का काम किया। एक ऐसा इंसान जो एक ही कपड़े को फट जाने के बावजूद पेन लगा लगा कर कई दिनों तक चलाता था। कैसे मरते वक्त उसके बैंक बैलेंस में जितना एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली का नेटवर्थ होता है उसे 10 गुना ज़्यादा पैसे थे। तो हमारी कहानी के जो हीरो हैं उनका नाम है रोनाल्ड जेम्स रीड। इनका जन्म US के वर्मंट में एक गरीब फैमिली में हुआ। उनके फादर एक पुअर फार्मर थे। ये अपने फैमिली में हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने वाले सबसे पहले इंसान थे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मिस्टर रीड ने अपनी ज़िंदगी में 25 सालों तक कार रिपेयरिंग का काम किया और लगभग 17 सालों तक एक स्वीपर का काम किया। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी 2 कमरे के एक छोटे से मकान में गुजार दिया। जब इन्हें फ्री टाइम मिलता तो ये न्यूज़पेपर या आर्टिकल पढ़ते थे और देखा जाए तो ये बड़े ही सिंपल और जेन्युइन टाइप के पर्सन थे, जिसकी वजह से किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि मिस्टर रोनाल्ड के पास एक दिन इतने पैसे होंगे और वो एक दिन इतने रिच बन जाएंगे। तो लगभग पूरी ज़िंदगी गुमनामी में जीने के बाद 2014 में वो रातों रात इंटरनेशनल हेडलाइंस में आ गए और वो एक इंटरनेट सेंसेशन बन गया। और जिस बात की वजह से वो हेडलाइंस में थे वो बात ये थी कि 2014 में उनके मरने के बाद उनके फैमिली को पता चला कि मिस्टर रोनाल्ड रीड के बैंक बैलेंस में $8 मिलियन यानी 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा पैसे थे। ये जानने के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल था कि एक कार रिपेयर करने वाले के पास, एक स्वीपर के पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि फ्री टाइम में रोनाल्ड रीड न्यूज़पेपर और आर्टिकल्स पढ़ते थे और उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट फाइनेंशियल और शेयर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में होता था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि वो एक ही कपड़े को बहुत दिनों तक चलाते थे, यानी वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते थे और वो अपना इनकम का ज़्यादातर पार्ट सेव कर लेते थे। अगर वो एक महीने में 25,000 रुपये कमाते तो उसमें से 20,000 रुपये सेव कर लेते और इन सारे पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते। ऐसा करते करते मिस्टर रोनाल्ड रीड लगातार 65 सालों तक हर महीने 20,000 रुपये शेयर मार्केट में ब्लू चिप शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये ब्लू चिप शेयर्स क्या होते हैं? ब्लू चिप शेयर्स वो होते हैं जो कि बहुत दिनों से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कि एप्पल, फेसबुक, अमेजोन, अगर इंडिया में देखा जाए तो टाटा, रिलायंस। उन्होंने 65 सालों में टोटल लगभग 2 करोड़ रुपए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, जो कि कंपाउंडिंग की वजह से फिर 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा में ट्रांसफॉर्म हो गया। सो दिस इज द पावर ऑफ शेयर मार्केट एंड दिस इज वाई यू मस्ट इन्वेस्ट। मिस्टर रोनाल्ड रीड के डेथ के बाद जैसा उनके विल में लिखा था उसे देखते हुए लगभग 30 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को डोनेट कर दिया गया, 10 करोड़ रुपए शहर की लाइब्रेरी को दे दिया गया और बचे 10 करोड़ उनके फैमिली के पास चला गया। तो ये थी एक जाइंटर की शेयर मार्केट की वजह से रिच बनने की कहानी। तो अगर आपको भी जानना है कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कैसे शेयर मार्केट में अर्ली ईयर से इन्वेस्टिंग का बेनिफिट उठाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम शेयर मार्केट के ऊपर और भी वीडियो बना सकें। थैंक्स।